पीपल डू दैट? व्हाई इतने मतलब तरसे हुए क्यों है? पर बाद में कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती इन्हें. व्हाई इज दैट? व्हाई इमरान खान? व्हाई आर यू सच कम आउट द शैडोज? अब इसके दौर में हो रहा है, पीछे छुपा बैठा हुआ है, इसकी माँ बहनों के साथ हो, इससे पता चले. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद शहरयार नकवी. जैसा कि नाज़रीन आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसी रियासत में बहुत से रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, और इसमें एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला केस जो गुजरपुरा मोटर वे पे पेश आया, जहाँ पे एक माँ को उसके औलाद के सामने, उसके तीन बच्चों के सामने शादी का निशाना बनाया गया. आज अगर हम बजूर हैं लबाटी में, जहाँ पे हैंग द रेपिस्ट के हवाले से स्पीडर डोमेटिक क्लब की जानिब से एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई है, आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय. नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शवाल, जो सारी स्ट्राइक के ऑर्गेनाइजर हैं, आइए जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम. मैडम हमें बताइए कि सबसे पहला मकसद आपको स्ट्राइक करने का मकसद क्या है आपका? हम लोगों का स्ट्राइक का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बेसिक ह्यूमन राइट है, और वो हम चाहते हैं कि हर जेंडर को, हर उम्र के लोगों को मिले. हमें ये ना बताया जाए कि वक्त क्या हो रहा है, हमें ये ना बताया जाए कि हमने क्या पहन रखा है, हमें सिर्फ तहफ़ दिया जाए, क्योंकि हम इक्वल शहरी हैं इस मुल्क के, हम इकॉनमी में इक्वल प्लेस पर आकर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है हमारे राइट्स भी इक्वल. और आपको सीसीपीओ के बयान के बाद क्या ये लगता है कि ये साहिवाल केस की तरह इस केस का भी यही हाल होगा, इसके मुजरिमों को दबा दिया जाएगा, ये फाइलों के ऊपर मट्टी पड़ जाएगी जिस तरह साहिवाल के केस के ऊपर हुआ था? पाकिस्तान का ये एक अलमिया रहा है कि यहाँ पर जिसके साथ ज्यादती होती है उसी जो है वो विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है, और यही चीज हम खत्म करना चाहते हैं. हमारी पुलिस को, हमारे गवर्नमेंट इदारों को जेंडर सेंसिटाइज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. उन लोगों को अपनी एजुकेशन एक दफा दोबारा से लेनी पड़ेगी, ये समझने के लिए कि जिसके साथ ज्यादती होती है कसूर उसका नहीं होता, उसके घर वालों का नहीं होता, कसूर रेपिस्ट का होता है. रेपिस्ट को सजा दी जाए, रेपिस्ट को जो है वो इस अपने उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई लोग इबरत पकड़े और आगे से ये सारे वाकयात कम हो. खत्म तो नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, पर कम जरूर. इस वक्त कौम में जितना ज्यादा गुस्सा है, जितनी ज्यादा तकलीफ में हम सब लोग हैं कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकते हैं, हम इस वक्त सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जो मुजरिम पकड़े जा चुके हैं उन्हें कम अज कम सजा दी जाए, ताकि कुछ टाइम के लिए लोग इस सारी चीज से कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो सबक हासिल करेंगे. अब तक तो किसी सजा का तयन ही नहीं हुआ, ये फैसला ही नहीं हो पाया. हम जब सजा की बात करते हैं, हमें उनके ह्यूमन राइट्स बताए जाते हैं. क्या आप लोगों के ख्याल में ज्यादती करने वाला इंसान होता है? इनका हाल तो जानवरों से भी ज्यादा बुरा है, और जब हम ऐसे लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हमारे पर इंसानियत शर्मिंदा है सिर्फ. कल आजाद कश्मीर में इस चीज का इंप्लीमेंट कर दिया गया कि कोई बंदा भी जो रेप का मुजरिम होगा उसका नफस काट दिया जाएगा. भाई से पूछ के इस बारे में, ख्याल से जो रेप केसेस होते हैं उन पे हमारी कौम जो है वो एकदम से ऐसे बाहर आ जाती है जैसे पहली दफा हुआ है. ये पहली दफा मीडिया पे इतना बताया गया है, ये हमेशा से होता आ रहा है. तो अगर आपने किसी चीज को सही करना है तो आपने अपना पूरा माइंड सेट बदलना है. आपकी पूरी कौम जो है वो औरत को अपने से कमतर समझती है, और इसमें हमारे तमाम जो मर्द हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं. हमारा कल्चर का प्रॉब्लम है कि हमने रेप कल्चर क्रिएट किया हुआ है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इंसिडेंट्स की वजह से. थे लास्ट डे सीसीपीओ ने एक बयान दिया जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहना? देखिए, जब आप एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं पंजाब की पुलिस के, तो आप किस तरह विक्टिम ब्लेमिंग इतनी ओपनली कर सकते हैं? आप किस तरह जिसके साथ जुल्म हुआ है आप उसी को कह रहे हैं कि तुमने गलती की है? मतलब मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक वो पुलिस ऑफिसर जो है वो अभी तक अपनी जगह पे तैनात है. ये किस किस्म का मुल्क है? मतलब जहाँ आपकी स्टेट जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग को सीरियसली नहीं लेती. क्या विक्टिम ब्लेमिंग कोई चीज़ नहीं होती, या क्या पाकिस्तान में नहीं होती, बाकी दुनिया में होती है? थैंक यू. इस टाइम हमारे साथ मुकर्रम भाई मौजूद हैं जो इस सारे स्ट्राइक के ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे जानते हैं इस बारे में. जी मुकर्रम भाई, हमें बताइएगा कि परसों से सीसीपीओ का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान ही उसको क्रिटिसाइज कर रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में मसला यही है कि पहले ये जुर्म हो रहे थे, मगर इस दफा ये आवाम इसलिए बाहर निकली है क्योंकि जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी थी, जो हमारे रखवाले थे, आज वही हमें कसूरवार ठहराते हैं और कहते हैं कि आप लोगों का कसूर है. ये लोग इसलिए निकल रहे हैं कि आज वो रियासत जिनको टैक्स देते हैं, वो रियासत जिनके आगे ये हर बात मानते हैं, वो आज कहते हैं कि आप लोग शाम को ना निकलो, रात को ना निकलो, पेट्रोल डलवाओ. सीसीपीओ लाहौर का जो बयान था वो नहायत कंट्रोवर्शियल था, जिसकी वजह से आज आप ये देख सकते हैं पीछे कितने लोग मौजूद हैं, और ये लोग आम शहरी हैं. इनको ये डर है कि अगर आइंदा इस तरह का वाकया हुआ तो क्या पता हमारे घर का कोई बच्चा, हमारे घर की कोई औरत, इवन आज तो कोई बच्चा, मर्द, जानवर कोई महफूज नहीं है.
इसीलिए ये जितने लोग मौजूद हैं वो आज चाहते हैं कि इन रेपिस्ट को कोई ऐसी सॉलिड पनिशमेंट दी जाए जो कि डेटरेंट क्रिएट करे और लोगों को पता लगे कि ये जुर्म हम नहीं कर सकते, इसकी कोई माफी नहीं है। अच्छा, पुलिस का काम है सिर्फ मुजरिम को पकड़ना, पुलिस मुजरिम को पकड़ लेती है, मुजरिम अदालत में जाके एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद या चंद माह बाद जमानत करवा लेते हैं या उनका कंप्रोमाइज हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता पुलिस के साथ साथ हमें अपना अदालती निजाम भी चेंज करना होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर ये रियासती निजाम जितने भी उसके डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, आपके पुलिस है, आपके जितने भी प्रोसिक्यूशन के मराहिल है, उन तमाम को बेहतर होने की जरूरत है। मगर जब आपको CCPA लाहौर की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट मिलेगी कि कसूरवार विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, तो ये वो अप्रोच है जो उस रेपिस्ट को शह देगी कि कल को अगर मैं जुर्म करता भी हूँ तो मुझे बचाने वाले वही रखवाले हैं जो असल में तो हमारे रखवाले हैं मगर हमारी हिफाजत नहीं करते, उनकी हिफाजत करते। आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि आप इमरान खान हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्या बताना चाहते हैं कि क्या पनिशमेंट इसकी होनी चाहिए, क्या सजा? इमरान खान की हुकूमत से एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा थी मायूसी उससे डबल है। अवाम इस तरह नहीं निकलती थी कभी, कोरोना के बावजूद लोग तंग हैं, लोग आवाज़दार हैं, लोग थक चुके हैं। ये इमरान खान की हुकूमत के लिए काफ़ी है कि पिछले 4 दिनों से लाहौर के हर बड़े शहर के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब ऐसी जुर्म होंगे, ऐसे वाकयात होंगे तो ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, चाहे वो फांसी हो, चाहे वो संसार करना हो, जो भी पनिशमेंट हो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लोगों को पता लगे। और दूसरी बड़ी बात, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आनी चाहिए, हमें सोसाइटी के लेवल तक ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर बेहतरी तब आएगी जब रियासत हमारे साथ खड़ी होगी, हमारे खिलाफ नहीं। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गोजरा मोटरवे वाले केस को अभी तक 5 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अभी तक कोई ट्वीट, कोई बयान सामने नहीं आया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे बैनर ही बोल रहे हैं मेरे, जब अपोजिशन में इमरान खान होता था दुनिया जहाँ में रेप होते थे फौरन ट्वीट आता था, फौरन बोलता नवाज शरीफ ना है, ये है वो है। अब इसके दौर में हो रहा है, पीछे छुपा बैठा हुआ है, इसकी माँ बहनों के साथ हो, इससे पता चले। अब मेरी माई बहनें बाहर जाती हैं, हम सब मर जाए, हमें महसूस होता है, हमें खौफ होता है कुछ हो ना जाए, हम साथ चले भी जाए 4-5 मर्द की नजर आ जाए हमें, हम भी खौफ में आ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तब्दीली आ गई है? मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप पे, अपने दोस्तों में हमने ही सपोर्ट दिया था, इससे पता था नवाज शरीफ ही आता, एटलीस्ट मतलब ये नहीं होता था। 5-6 साल पहले मैं सोचता था इंडिया में इतना रेप होता है, ये होता है, वो होता है, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होना, और अब 6 साल बाद वो यहाँ पे हो रहा है, हमें और उनमें क्या तब्दीली रहेगी? आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मेरा मुतालबा ये जस्टिस मिले खवातीन को, इन्हें मतलब ये बोलते हैं पेपर स्प्रे हो, वेपन हो, मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, हमारे मर्द जो है उन्हें बेहतर नहीं होना चाहिए। अब मैं भी मर्द हूँ, सही है, हम सारे हैं जो डेस्परेट हो रहे हैं, इतना क्रीप हो रहा है, मतलब वो तो रेप पूरा कर रहे हैं, पर इतनी मेरी दोस्त उनके साथ हुआ है बचपन में भी, पीछे से हाथ मार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाई द पीपल डू दैट, व्हाई इतने मतलब तरसे हुए क्यों है, पर बाद में कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती इन्हें, व्हाई इज दैट, व्हाई इमरान खान, व्हाई आर यू सच, कम आउट ऑफ द शैडोज, दैट्स ऑल आई हैव टू। थैंक यू जी। आप हमें बताइएगा कि परसों से CCPO का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, क्या आपका उसके बारे में वही रद्द अमल है जो पूरे पाकिस्तानी कौम का है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा भी वो रद्द अमल है जो एक पाकिस्तानी शहरी बहसियत है, एक पाकिस्तानी शहरी होने का है, वो एक ऑफिसर हैं और उनको ये जेब नहीं देता कि वो मॉरल पुलिसिंग करे, वो औरत चाहे 3 बजे निकले, चाहे 2 बजे निकले, चाहे 1 बजे निकले, चाहे दिन दहाड़े निकले, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि बीच सड़क में चौराहे पे खड़े होकर किसी को भी किसी तरह की तकलीफ। और जब ये बात एक ऐसे ऑफिसर की तरफ से आती है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका ये फ़र्ज़ है वो हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जब ये बात वहाँ से आती है तो ये ज़्यादा तकलीफ का। क्या आपको CCPO के बयान के बाद ये लगता है कि औरत किस माशरे में अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत करना हो? बेशक, बिल्कुल ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे लॉ एंड ऑर्डर और हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो तो इस काबिल रहे नहीं है कि वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, तो ज़ाहिर है हमें अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। गुज़िश्ता 8 माह के अंदर 2100 रेप के केसेस पाकिस्तान में सामने आए और ये वो केसेस हैं जो मीडिया में हाईलाइट हुए हैं, इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या लगता है ऐसे चंद बरसों पहले इतने रेप के केसेस नहीं होते थे, और क्या आपको लगता है कि हमारी यंग जनरेशन की कुछ तरबियत में भी कुछ इसका इस वजह से? मुझे लगता है कि ये शुरू से केस थे, पहले भी थे, अब भी हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया हमारा थोड़ा सा ज्यादा वायरल हो चुका है और आवाज उठाने की जो है, जदोजहद करने की जो है, एक हमारी यंग जनरेशन की वजह से तहरीक जोर पकड़ गई है, इसलिए मुझे लगता है
लगता है कि ये आजकल ज्यादा मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, अदरवाइज सब चुप कर जाते थे और चुप करा दिए जाते। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बंदे या एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। CCPO जो हमारे हैं, जो इसके लिए जिन्होंने ये रद्द अमल जाहिर किया है इंतहाई भयानक किस्म का, उनको भी मुअत्तल किया जाना चाहिए। रेपिस्ट को तो ऑब्वियसली हैंग किया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारे माशरे को एक बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ तहरीक उठानी चाहिए और एजुकेशन, सेक्चुअल एजुकेशन आम करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि बेसिक कोर रीजन क्या है इस भयानक अमल के। थैंक यू।